अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था, आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। मैथ्स की बुक में पेज नंबर 150 पर है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 का, और क्वेश्चन नंबर 4 है इन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें आपको एंगल ए दिया गया है 30 डिग्री, एंगल बी दिया गया है 40 डिग्री, और एंगल सी दिया गया है 110 डिग्री। सिमिलरली आपको सेकंड ट्राइंगल दिया गया है ट्राइंगल पी क्यू आर, उसमें आपको एंगल पी दिया गया है 30 डिग्री, एंगल क्यू दिया गया है 40 डिग्री, और एंगल आर दिया गया है 110 डिग्री। अब आपको ये जो ट्राइंगल्स दिए गए हैं ये डिग्री में दिए गए हैं, आपको इनको आप इनको डी की हेल्प से मेजर करेंगे। ऐसा होता है डी डी रखकर आप इन ट्राइंगल्स को बनाएंगे यानी ड्रॉ करेंगे। तो कॉपी पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 आज के ऊपर डेट मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और जब आप डी की हेल्प से ट्राइंगल्स बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट सेज दैट, एक स्टूडेंट ने कहा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय ए ए ए। किस क्राइटेरिया से बताया है उस बच्चे ने कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्राइटेरिया उसने बताया है एंगल एंगल एंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इज ही जस्टिफाइड वाई और वाई नॉट, अब आपको ये बताना है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। पहले आपको ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, उसके बाद आपको क्राइटेरिया भी बताना है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में तो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हैं। आप जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे, इन टू ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए दिया गया है 30 डिग्री, एंगल बी दिया गया है 40 डिग्री, और एंगल सी दिया गया है 110 डिग्री। और ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी दिया गया है 30 डिग्री, एंगल क्यू दिया गया है 40 डिग्री, और एंगल आर दिया गया है 110 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो इन तीनों एंगल्स की यानी दोनों ट्राइंगल्स की तीनों जो मेजरमेंट है वो क्या है, इक्वल है। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। लिखेंगे क्लियरली, अगर आप देखेंगे तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, यानी द ट्राइंगल्स हैव देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं तीनों, लेकिन ये फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बी सी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आर। देखिए कॉन्ग्रुएंसी के जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, तो उसमें अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वल्स हैं अगर, तो ये क्राइटेरिया है ना कि तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, या दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, या फिर दो एंगल बराबर होने चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। अभी ऐसा तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है जिसमें तीनों एंगल्स बराबर हो, तो इसलिए ये जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर
और अगर आप इन ट्राइंगल्स को देखेंगे, जब आप इनको डी की हेल्प से मेज़र करेंगे और इनको ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो इनके बेस है ना, तो जो ट्राइंगल ए बी सी है उसका बेस आएगा 2.5 सेंटीमीटर, और जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसका बेस आएगा 3.5 सेंटीमीटर। जब आप स्केल से इनको बाद में नापेंगे, मेज़र करने के बाद जब आप डी रख के इनको ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद जब आप मेज़र करेंगे, तो क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर आएगी और बी सी 2.5 सेंटीमीटर आएगी। तो इनके बेस भी इक्वल नहीं है, और तीनों एंगल्स अगर बराबर है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तीनों एंगल से हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके, है ना। तो इसलिए आप लिखेंगे, हैंस द स्टूडेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड, स्टूडेंट जस्टिफाई भी नहीं कर पाए, हैंस द स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड, मतलब स्टूडेंट्स ने कह तो दिया कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो इसलिए आंसर क्या है, हेंस द स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, आपको ये बताना है। दो ट्राइंगल्स हैं, आपसे कहा गया है कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। एक ट्राइंगल आर ए टी आपको दिया गया है और आपको सेकंड बताना है। देखिए ये बुक थोड़ी सी ना गंदी हो रही है, तो आपको दिखाई नहीं देगा कि ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पर दिए गए हैं और इनके नाम भी दिए गए हैं, और जो चीज़ इनमें गिवन है वो भी बताया गया है कि इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये नीचे वाली साइड, ये ऊपर वाली साइड आपस में इक्वल है, और ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल है। चलिए इसको क्लियरली कॉपी में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको इस तरीके से एंगल्स दिए गए हैं, फर्स्ट वाला है एंगल ए आर टी, और सेकंड वाला जो ट्राइंगल दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। और ये है ओ W N, अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे, तो इसमें आपको ये वाली साइड यानी ए आर बराबर दी गई है किसके, W O के, और ये जो बेस है ए टी ये किसके बराबर दिए गए हैं, O N के। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, बताया गया है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ए आर वाली साइड किसके बराबर होगी, डब्ल्यू ओ के बराबर होगी, और ये जो बेस है ओ एन ये किसके बराबर होगा, ए टी के बराबर होगा। और ये जो एंगल डब्ल्यू है, ऊपर वाला जो एंगल है, ये किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है हमें पता है, हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। और ये जो एंगल ए है ये किसके बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल ओ के, और जो एंगल एन है थर्ड वाला एंगल ये बराबर होगा एंगल टी के, तभी तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आपसे पूछा गया है कि ट्राइंगल आर ए टी किसके किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आर ए टी ये वाला ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, डब्ल्यू ओ एन के, किसके कॉन्ग्रुएंट है ये, डब्ल्यू ओ एन के कॉन्ग्रुएंट है। ऊपर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस यही करना था इसमें।
सिर्फ आपको ये बताना था कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और वो ट्राइंगल्स दोनों आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ट्राइंगल है आर ए टी, तो उसके कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्राइंगल होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। नीचे आपको ये थोड़ा ना यहाँ पर ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब आपको आप अपनी बुक में देखेंगे आपको दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं और आपको उन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करनी है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो फर्स्ट ट्राइंगल किस तरीके से दिए गए हैं, इस तरीके से दिए गए हैं। यह है बी ए टी सी, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स हैं, और ये वाली साइड्स इक्वल है। आपसे पूछा गया है ट्राइंगल बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताना है। सेकेंड फिगर है इस तरीके से बनी हुई है, यह पी क्यू आर टी बी। अब अगर आप इस ट्राइंगल इन वाले ट्राइंगल्स में आपस में देखेंगे तो इसमें ये जो एंगल टी है ये क्यू के बराबर है, एंगल पी है आर के बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये जो ऊपर वाली साइड है ये इसके बराबर है। आपसे पूछा गया है कि ट्राइंगल क्यू आर एस के कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल। तो पहले फर्स्ट देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों ये एक ही ट्राइंगल में दो ट्राइंगल दिए गए हैं। फर्स्ट है ट्राइंगल बी सी ए, तो ये जो बी सी ए है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल बी टी ए के, ये वाले ट्राइंगल के, क्योंकि इनकी ये जो बी टी साइड है ये बी सी के बराबर है, ये जो एंगल बी है ये दोनों में कॉमन है, और अगर आप देखेंगे बी ए दोनों में कॉमन है, तो ये भी 90 डिग्री का बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो साइड है सी ए ये बराबर है 80 के, तो इसलिए ट्राइंगल बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल बी टी ए के। इसी तरीके से सेकंड है, ये भी दो ट्राइंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल क्यू आर एस आपको बताना है क्यू आर एस की ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्यू आर एस टी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम बनाते हुए बताया था कि एंगल टी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है, और ये जो पी क्यू और टी क्यू साइड से ये आर एस और क्यू एस के बराबर है, तो इसलिए ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल टी पी क्यू के। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैंने आपको करवा दिया है, बाकी के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।